सुबह हुई शाम हुई, यूं ही आखिरी दिन की कहानी तमाम हुई। हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तो बहुत सारी चीज़ें आखिरी होने वाली हैं ज़िंदगी में, नहीं नेपाल में, क्योंकि आज आखिरी दिन है मेरा नेपाल में। आज है 11 दिसंबर और कल मेरी फ़्लाइट है, मैं मूव कर रहा हूँ नेपाल से फिनलैंड। तो थोड़ा इमोशनल है, मैं 10 साल हो गए हैं नेपाल में मुझे रहते हुए, तकरीबन 10 साल हो गए, तो बहुत मिस करूँगा मैं इस जगह को। अभी बहुत सारी बातें करनी है, अभी मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है। अभी न्यू रोड मार्केट में पहुंचा हूं मैं, और ये मेरा आखिरी बार आना होगा यहां पे। बहुत बड़ा यहां का बाज़ार है काठमांडू में, जो भी चीज़ आपको चाहिए हो यहां से मिल जाती है। अभी जैकेट लेनी है, मेरे साथ आया है एक दोस्त मेरा, हेलो, प्यार से हम फजाजी बोलते हैं इसको, वैसे नाम फराज है इसका, माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैं ज़रा जैकेट ले लूँ, जैकेट तो आप कल देख ही लोगे जब मैं पहनूँगा, तब तक आप यहाँ के शॉर्ट्स एंजॉय करो। मार्केट में सैकड़ों बार आए हैं हम पिछले 10 सालों में, बहुत सारी यादें इस जगह के साथ भी जुड़ी हुई हैं। कोई शॉपिंग करनी है, कोई चीज़ लेनी है, तो इसी जगह से आके ख़रीदा करते थे। अभी जाते हुए बनाना शेक का एक ग्लास, आखिरी बार शायद नेपाल में। और यहाँ का बनाना शेक बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में दूध के साथ मिलता था, यहाँ पे आके कुछ ख़ास देखा था, और वो ये कि दही के अंदर ये बनाते हैं, पीते हैं, उसके बाद फिर जो है ना कहीं और जाना है, वहाँ पे मिलते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं। अभी सिटी सेंटर आए हैं, कुछ दोस्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। तो अभी शायद आप लोगों को याद हो, अगर आपने पहले वाले व्लॉग देखे थे, एक लाहौरी मुंडा जिसके साथ बाजी पड़ी थी, टेबल टेनिस की बाजी पड़ी थी जिसके साथ, और जब गंदे तरीके से हारा था मुझसे, आज फिर इसके साथ मैं खेलूँगा, टेबल टेनिस का मैच लगाएंगे, आज देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, पता चल जाएगा, देख लो, इसके साथ मेरा मैच है और ये प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे मौका नहीं मिला प्रैक्टिस करने, लेकिन फिर भी आपका भाई इसको बाजी मारेगा। एक तरफ होगा लाहौर दा पावा अख्तर लावा, अभी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, या है अपना दोस्त एक क्या चाल है, सब ठीक ठाक, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मिस्टर फराज, ये मेरा अपना भाई है जो शक्ल दिखाना नहीं चाहता, लड़कियों से ज़्यादा शर्माता है। यहाँ पे है शिराज, फहद, और ये हमारी सिस्टर मिस नीना, सबकी यहाँ सबकी सिस्टर मिस नीना। अरे ये रोता है बेटा साथ। Yeah.
बीच में से पता नहीं एक दो की सिस्टर शायद ना हो, बाकी तो सबकी सिस्टर है। सबकी है, सबकी सिस्टर है, मेरी सिस्टर है। सबकी भाई रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। तो अभी पेट पूजा लास्ट पार्टी दोस्तों के साथ नेपाल में, फिर शायद मौका मिले ना मिले, खुशी भी है इमोशनल भी है, तो मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे नेपाल के अंदर मॉल के अंदर पाकिस्तानी सॉन्ग लगा हुआ है, तो बहुत पसंद करते हैं नेपाली लोग पाकिस्तानी सॉन्ग और पाकिस्तानी पीपल को खास तौर पर। फ्री हो गए हम खामिल पहुँचे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे जब पहली बार नेपाल में आए थे तो इसी जगह पे होटल लिया था। तो बेसिकली ये टूरिस्ट के ठहरने का पॉइंट है, तो जब आए थे तो इसी जगह पे ठहरे थे, इस वजह से ये एरिया मुझे बहुत पसंद है। और पूरा नेपाल में आप कहीं पे भी चले जाओगे आपको नाइट लाइफ जो है ना बंद नज़र आएगी, स्वाइप पोखरा और इस एरिया के अलावा। ये यहाँ का मतलब काठमांडू का आपका रौनक वाला एरिया जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है, रात को भी आप घूम सकते हो, मतलब आपको लगता है कि ये एक फॉरनर वाला एरिया जैसे होता है ना नेपाल का, वो है रात को भी आप देख रहे हैं लोग जा रहे हैं आ रहे। तो यहाँ पे बेसिकली हलाल रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। अभी कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर ली है, बहुत इन्जॉय किया है सबके साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत मज़ा आया। और लास्ट टाइम भी जाते जाते अब कल जाना है, तो आज जो है सोचा थोड़ा चिल करते हैं दोस्तों के साथ। अभी यहाँ पे आया हूँ, अभी कुछ और अजीज़ हैं, तो ये तो दोस्त पार्टी हो गई थी, अब थोड़े से वो पड़े हैं और अजीज़ हैं, तो उनके साथ बैठ के खाना है। मुझे भूख बहुत लगी हुई है, वहाँ पे मैंने खाया कुछ नहीं क्योंकि हलाल को प्रायोरिटी देता हूँ मैं, तो अभी इसी वजह से यहाँ पे आए हैं। अभी उन लोगों का इंतज़ार है, मैंने सोचा कि जब तक वो आते हैं आपको ये एरिया विजिट करवाते हैं। फिर के थोड़ा शूट करके आ गए हैं। कैसा लगा आपको ठामिल कमेंट में बताना, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी दुनिया की। मैं तो चाय छोड़ चुका हूँ लेकिन बहुत थक गया हूँ जब से निकला हूँ घूमते फिर आते, अभी जो है ना बैठने का मौका मिला है तो चाय मैंने बोला फज्जा जी ज़रा चाय तो ऑर्डर करें, चाय पियेंगे हम, ज़्यादा नहीं पीऊँगा आधा कप पीऊँगा। तो नेपाल में 10 साल गुजारे हैं, फीलिंग इमोशनल भी है खुशी भी है। जब से इंसान है हमेशा तरक्की की तरफ ही गामजन रहा है, तो ये खुशी है कि एक स्टेप और आगे मैं जा रहा हूँ।
यूरोप करेंसी का फ़र्क है, सब कुछ है, कारोबार में फ़र्क पड़ता है। एशिया वाले की नस्बत यहाँ भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे और थोड़ा डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो इस वजह से खुशी भी है कि तरक्की की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 10 साल यहाँ पे गुजारे हैं, मायने रखते हैं, तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। इस वजह से आज का व्लॉग करने का मकसद यही था कि कुछ यादें जो हैं वो वैसे तो इंसान इंजॉय कर लेता है, लेकिन व्लॉग में ये होगा कि आपके पास एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कभी दिल किया ये वीडियो देखेंगे तो याद आएंगे ये दोस्त यार, ये जगहें, ये गलियां। तो बस क्या बोलूँ मैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर वो लोग आ जाएंगे तो खाना खा के फिर घर जाके सोएंगे, क्योंकि कल फिर निकलना है। मिस यू नेपाल।